गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, ईमेक्स इंडिया के ब्राइट फ्यूचर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल का रिचार्ज या डीटीएच रिचार्ज हम किस तरीके से करते हैं और कौन कौन सी वेबसाइट से हमें करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसके लिए आपके पास अगर एटीएम कार्ड है तो ज़्यादा आसान होता है, अगर नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, कोई भी आप पेमेंट का काम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास एटीएम नहीं है तो आप अपने ही नज़दीकी बैंक शाखा में जाइएगा और जल्द से अपना एटीएम बनवाइएगा, क्योंकि डिजिटल इंडिया में आप जी रहे हैं। अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हो, आपको एटीएम के बारे में पता नहीं है, तो आपको क्या करना है, एटीएम बनवा लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको अगर रिचार्ज करना है तो अपना मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर ओपन करके बैठे। ओपन करने के बाद आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है। ओपन जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ आपको डाल देना है मोबाइल रिचार्ज, ठीक है। हमने जैसे मोबाइल रिचार्ज डाल के यहाँ रख दिया, ऑनलाइन लिख दिया, अगर ऑनलाइन लिख दें तो अच्छा है, ठीक है। इस तरीके से हमने डाल दिया है तो हमारे सामने जो पहली हेडिंग आई है, इसका हम वेबसाइट आपको बता देते हैं, www.freerecharge.in लिख के आ गया है, इस पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें अपना क्या करना होगा, मोबाइल नंबर टाइप करना होगा। जैसे हमने यहाँ मोबाइल नंबर टाइप किया है, ठीक है, जैसे हमने टाइप किया है तो यहाँ आ गया प्रीपेड मोबाइल नंबर, एयरटेल का सिम है, यूपी ईस्ट है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, प्रोसीड। लेकिन दोस्तों, ये और हम बता देते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ राइट पैनल में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर डीटीएच रिचार्ज, डाटा, इलेक्ट्रिसिटी, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, गैस, सारी चीज़ आपको दिखाई दे रही है। जो भी आपको करना है आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ मोबाइल हम सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बता रहा है कि आप एक अमाउंट डालें, अगर आप अपने 50 रुपये ऐसे हमें डालना है, हम रिचार्ज पे क्लिक करें तो हो जाएगा, लेकिन हमें लगता है कि हमारे मोबाइल में कौन कौन से ऑफर चल रहे हैं, तो आपको यहाँ व्यू प्लान्स पर क्लिक करना है। जैसे आप व्यू प्लान्स पर क्लिक करेंगे तो ये है फुल TT यानी अनलिमिटेड, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये टॉप अप है और ये 3G है, 4G है, और यहाँ ये आपको इस तरीके से सारे दिखाई दे रहे हैं। आप जो भी करना चाहें आप उस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे हमें 129 पे क्लिक करना है तो हम इस पर क्लिक किया। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। जैसे आप मोबाइल नंबर टाइप करेंगे तो यहाँ आपको अपना नेम देना है, जैसे हमने नेम दे दिया, ठीक है। यहाँ ईमेल आईडी भी आपको देना है, ध्यान रखें दोस्तों कि आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो आपको मेल आईडी देना अनिवार्य है, यानी कि रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। यहाँ पासवर्ड भी बना दें, ठीक है। अगर बता रहा है एटलीस्ट 6 करेक्टर का, 1 एटलीस्ट जैसे नए और अल्फाबेट होना चाहिए, चलो हम इसमें लिखा है एटलीस्ट 1 नंबर, 1 नंबर और 1 एटलीस्ट अल्फाबेट होना चाहिए। चलिए हम इसमें डाल देते हैं, अपना सी बड़ा बना दिया, HANDRAPAL और 1 लिख दिया हमने। देखो आप देख रहे हैं सही पे सही कमांड लग गया। चलिए हमें प्रोसीड पे क्लिक कर लिया, एंटर OTP, जैसे हमारे मोबाइल जो हमने डाला है उसको OTP आएगा, OTP हमें इसमें टाइप कर देना है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। दोस्तों, हमारा नंबर रजिस्टर हो चुका है freecharge.com पर। हाँ, हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ जो पेमेंट के लिए ऑप्शन आ गया है कि आप किससे करना चाहते हैं, डेबिट या क्रेडिट या नेट बैंकिंग के द्वारा, ठीक है। तो हमें डेबिट के द्वारा करना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ आपको प्रमोट अगर कोड है तो यहाँ आपको कार्ड नंबर टाइप करना है। जैसे हम यहाँ कोई कार्ड नंबर जो हमारे में लिखा है वो हमें यहाँ टाइप करना है। यहाँ हमें XYZ लिखना है, जो भी आपको मंथ लगता है उसके पीछे यहाँ आपको सीवी नंबर आ जाता है, अच्छा का होता है। अपना ATM में यहाँ नंबर लिखा है, यहाँ डेट लिखा है, सब कुछ लिखा मिल जाएगा। फिर आपको पे इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सीधा प्रोसेस बढ़ जाएगा और आपका सक्सेस पेमेंट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने आपको बता दिया कि इस तरीके से आप पेमेंट करना सीख गए होंगे। हम इसको अभी लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करने के बाद हम दूसरी सब वेबसाइट पे आपको बताएंगे कैसे हमें पेमेंट किस तरीके से करना है, कैसे हमें रिचार्ज करना है। सभी प्रक्रिया सभी वेबसाइट की एक सी होती है, बिल्कुल सेम होती है। चलिए यहाँ पेटीएम पे हमने क्लिक कर रखा है। पेटीएम पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ हमें नंबर टाइप करना है। नंबर जैसे हम टाइप करेंगे सारा चीज़ लिख किया गया है। यहाँ हमें अमाउंट देना है। अमाउंट पे जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ ये बता रहा है कि कौन सा जितने अमाउंट हमारे में अवेलेबल है सारे यहाँ लिख के आ रहे हैं। चलिए हमने 48 पे क्लिक कर रखा है। तो ध्यान रखें, देखो वैसे इसमें भी लिख के आ रहा है, जो भी आप करना चाहें इसलिए रिचार्ज तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ आपको फास्ट रिचार्ज पे क्लिक करना होगा। जैसे आप फास्ट रिचार्ज क्लिक करते हैं तो यहाँ एक आपके सामने QR कोड आ गया है, इसको आपके मोबाइल में स्कैन करना है पेटीएम के द्वारा। जैसे आप स्कैन हो जाएगा वैसे ही ऑटोमेटिक आपका मोबाइल फोन रिचार्ज हो जाएगा। दोस्तों, ये पेटीएम का है। इसके बाद हम जाते हैं, बैक हो जाते हैं
नेक्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, ये है केयर आईडी, इस पे क्लिक कर लेते हैं। सेम प्रक्रिया इसकी भी होगी सेम। देखो यहाँ आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है, जैसे आप मोबाइल नंबर टाइप करते हैं यहाँ आपको सारा चीज़ में लिख के आ गया। यहाँ आपको क्या करना है, अमाउंट टाइप करना है। अमाउंट आप टाइप कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ आप अमाउंट टाइप करेंगे, फिर इसके बाद आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। ये सारा चीज़ वैसे ही है, और भी हम जाते हैं, ये आइडिया का है इसलिए नहीं खुल रहा था आगे, क्योंकि हमारा नंबर आइडिया का नहीं है, ठीक है। इजी मोबाइल रिचार्ज पे क्लिक करके देख सकते हैं आप मोबीक्विक पे जाते हैं, कहीं से भी आप करें सही, सभी जगह सेम होता है। आप देख रहे होंगे यहाँ इस साइड लिख के आ रहा कि आप कौन सा रिचार्ज करना चाहते हैं, कौन सा नहीं करना चाहते हैं, यहाँ DTH रिचार्ज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, सारी चीज़ जानकारी दे रखा है। तो इस पर आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर टाइप करना, सारा चीज़ आ गया। यहाँ आप चेक ब्रांच पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ आप डायरेक्ट जो आप करते रहते हैं दिन प्रतिदिन वो आपके आ गए। यहाँ यहाँ आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है, मोबाइल नंबर आप जैसे ही टाइप करेंगे तो ये रजिस्टर हो जाएगा। गेट OTP पे क्लिक करेंगे, सेम OTP आएगा एक आपके पास, जैसे ही OTP आएगा उस OTP को आपको यहाँ टाइप कर देना है। जैसे हमने OTP टाइप किया, यहाँ सबमिट किया, तो हमारा एक OTP बता रहा है कि इनवैलिड है OTP, तो इस पर हमें OTP हमें दोबारा से टाइप करना है, गलत हो गया OTP। सबमिट पे क्लिक करना है, सबमिट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये आ गया, पूरा बिल बन के आ गया कि आपके 129 रुपये हो रहा है। आप पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको क्या है, ये हमने पहले से कर रखा है इसलिए यहाँ आ रहा है, केवल हमें 3 अक्षर का CV नंबर डालना होगा, पे पे क्लिक करना है। लेकिन हमें न्यू नंबर से करना है तो हमें क्या करना है, न्यू डेबिट पे क्लिक करना होगा, यहाँ हमें डेबिट कार्ड संख्या डालना होगा, टाइप करनी होगी, और यहाँ हमें जो भी हमारा मंथ लगता है वो डालना हो, यहाँ हमें CV नंबर डाल देना है। तो यहाँ हम डेट एक्सपायरी डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, चलिए हम कोई नंबर टाइप कर देते हैं, 3 अक्षर का CV नंबर टाइप करना है, ठीक है। नंबर डालने के बाद हमें प्रोसीड पे क्लिक करना होगा, जैसे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो प्रोसेस होगी, अभी ये फेल लिख के आ गया ना, लेकिन हमारा नंबर अगर सही होता डेबिट कार्ड का तो हमारे पेमेंट कट जाता। तो ध्यान रखें दोस्तों, आपको पेमेंट करना आ गया होगा, रिचार्ज करना आ गया होगा, लेकिन इतना ध्यान रखें, रिचार्ज करना तभी आपको अच्छी तरीके से आएगा जब आपके पास ATM हो। ध्यान रखें, ATM का प्रयोग आज के समय बहुत सारा लोग करने लगा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ATM क्या होता है, पेटीएम क्या होता है, ऑनलाइन रिचार्ज क्या होता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या होता है। तो ध्यान रखें, आप ATM बनवाएं, बनवाने के बाद आप सेंटर पर आएँ, सेंटर पर हम आपको बताएँगे कि इसका प्रयोग कैसे होता है, कैसे किया जाता है, तो आप अच्छा तरीके से ATM के बारे में जानने लगेंगे और अपना पेमेंट आप किसी को भी दे सकते हैं, ले सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।